दो ट्रोलों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत एक घायल। फलोदी के निकट नेशनल हाईवे 11 बीकानेर फलोदी सड़क मार्ग स्थित बीती रात की घटना। पुलिस पहुंची मौके पर। फलोदी के निकट नेशनल हाईवे 11 बीकानेर फलोदी सड़क मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बीती रात दो ट्रोलों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो जाने से ट्रोला चालक एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल फलोदी लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। फलोदी पुलिस थाना अधिकारी राकेश कुमार ख्यालिया से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात की ओर से कोयला भरकर फलोदी के रास्ते पंजाब की ओर जा रहे ट्रोला चालक द्वारा ओवरटेक करने का प्रयास करने पर सामने बीकानेर के कोलाय से जिप्सम भरकर गुजरात जा रहे ट्रोले को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ट्रोला चालक भेराराम प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रोले चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान तकरीबन 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रोलों को बड़ी मशक्कत से जेसीबी हाइड्रो की मदद से दुर्घटना के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर दोनों ट्रोलों को अलग किया, तब देर रात कहीं जाकर जाम खुलवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। फलोदी के मुखिरी गांव में आज मोबाइल वैन से चलाया गया राष्ट्रीय बालिका शिक्षा जागरूकता अभियान। गांव डाणी में शिक्षा की लहर रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अभियान हर कदम बेटी के संग लीडरशिप की तरंग 2021। रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अभियान हर कदम बेटी के संग लीडरशिप की तरंग 2021 थीम की तर्ज पर मोबाइल वैन गाड़ी फलोदी ब्लॉक के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखिरी गांव में रूम टू रीड द्वारा मोबाइल वैन से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर बालिकाओं की स्कूल में लॉकडाउन के बाद विद्यालय में वापसी हेतु शिक्षा से जुड़े रहने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान बीकम चंद सोनी ने अपने विचार रखते हुए बताया कि रूम टू रीड की कार्यकर्ता मोनू सोनी बालिकाओं के साथ में लगातार ऑनलाइन फोन के माध्यम से जुड़कर उनके बालिकाओं व अभिभावकों के हालचाल जानना व बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही फोन के द्वारा भी जीवन कौशल सत्र जैसे कार्य सराहनीय कर रही है। फलोदी ब्लॉक की मोखेरी एसएमबी खीचन और रड़का बेरा स्कूल में मोबाइल वैन गाड़ी चलाई जा रही है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए यह राष्ट्रीय अभियान का दूसरा चरण 28 सितंबर से 12 अक्टूबर यानी 2 सप्ताह तक चलाया गया। इस दौरान विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें स्कूल इवेंट के दौरान कक्षा 9 की छात्राओं ने रोल प्ले किया। लीडरशिप के कौशल पर वॉल मैगजीन तैयार की गई। कक्षा 7, 8 और 9 की बालिकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक कठपुतली के माध्यम से बाल विवाह कुप्रथा को रोकना, स्वास्थ्य और पढ़ाई को पूरा करना, मोबाइल वैन से बालिकाओं अभिभावक और समुदाय को जागरूक किया गया। ऐसे मोनू कुमारी सोनी ने बताया कि जेंडर समानता हो इसके लिए लड़का और लड़की दोनों को पढ़ने में आगे बढ़ने का मौका दें। माता पिता भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनका हौसला बढ़ाएं, जिससे आज से ही प्रयास शुरू करें। बालिकाओं के पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, आराम के लिए एक समय सुनिश्चित करें, जिससे कि बालिकाओं को उनके लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी चुनौती आए तो उनका डटकर मुकाबला करने के लिए उनका साथ दें। हालांकि बालिकाएं भी लीडरशिप की भूमिका निभाते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। बेटियों की शिक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी को नमस्कार, मैं पूनम कुमार कक्षा 9 की छात्रा मोखिरी स्कूल में पढ़ती हूँ और रूम टू रीड से जुड़े हम 6 में रूम टू रीड से जुड़े थे और कोरोना काल से हम सही टाइम पर स्कूल नहीं आ रहे थे, इसीलिए मोनू मैम हमारा सेशन ऑनलाइन ऐसे थे और हमें घर वालों के हालचाल भी पूछते थे और पढ़ाई के लिए हमें उत्सुक किया और हम घर का काम भी करते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिठू है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ साथी से रूम टू रीड बालिका कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी हूँ। मुझे यहाँ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले खुल के अपनी बात किसी के सामने नहीं कर पा रही थी, रूम टू रीड की मैम के कारण मैं हर किसी के सामने खुल के बात कर पा रही हूँ। मुझे यहाँ जुड़ने बहुत अच्छा लग रहा है और लॉकडाउन के कारण मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और मैम ने हमें और मेरे घर वालों सबको उत्सुक किया हमें पढ़ाने के लिए और मुझे रूम टू रीड में जुड़ने बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम मंजू है और मैं ये रूम टू रीड सेशन से 6 से जुड़ी हुई हूँ और अभी आगे बढ़ रहा है और लॉकडाउन में हमें फ़ोन नहीं लग रहा था, मैम हमारा सेशन लेती थी। अभी फ़ोन नहीं लग रहा था, मैम हमारे घर भी आती थी और घर के हाल चाल भी पूछती थी और इससे सेशन से जुड़े हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चार सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है और पहले मैं अपनी बात सुन के नहीं बोल सकती थी, अब बोल सकती हूँ। घर से कुछ पर्सन पूछना हो तो भी मैं पूछ सकती थी, पहले नहीं पूछ सकती थी, अब मैं लीडर हूँ।
के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोकेरी में ये सोशल मोबिलाइजर श्री मोनू सोनी हैं, इनके द्वारा लॉकडाउन के टाइम में भी बच्चियों के पेरेंट्स से बच्चियों से ऑनलाइन कॉन्टेक्ट रखा गया था, इनको स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा था और इनको पढ़ाई के लिए सतत रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अब उसके बाद जब स्कूल खुल गई है, हमारा विद्यालय खुल चुका है, तो बच्चियों को विशेष तौर से प्रेरित करते हैं कि भाई आपको स्कूल से जुड़ना, जो बच्चियाँ कोरोना काल में स्कूल से नहीं जुड़ी हुई थी उनको भी स्कूल से जोड़ा जा रहा है। ये गाँव गाँव डाणी डाणी घूम के प्रचार करते हैं ताकि ये जो बच्चियाँ हैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट की तरफ से ऐसा, और मैं यहाँ पे मुखेरी के अंदर काम कर रही हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है अपनी। और ये जो वैन गाड़ी है इसका उद्देश्य है कि हम लड़कियों को वापस से स्कूल से जोड़ें, क्योंकि लंबे समय से कोरोना काल की वजह से बच्चों का स्कूल में आना जाना नहीं था, तो अब वापस से जैसे स्कूल खुले हैं तो बच्चों की स्कूल में वापसी सुनिश्चित करना ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए ये मोबाइल वैन के द्वारा हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं शिक्षा का और बच्चों में लीडरशिप की जो है गुण विकसित करने के लिए हम ये वैन घुमा रहे हैं। बीकानेर सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का फलोदी दौरा। मंत्री मेघवाल ने स्वर्गीय घेवरचंद पवार, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के निवास छिल्ला गांव स्थित देर रात की शोक सभा में शिरकत की। बीकानेर लोकसभा सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीती रात फलोदी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने छिल्ला गांव स्थित स्वर्गीय घेवरचंद पवार, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के आवास सेरा नगर शोक सभा में शरीक हुए। इसके बाद मंत्री मेघवाल ने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर संगठन की मजबूती को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में मंत्री मेघवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रचार और प्रसार के माध्यम से जानकारी पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया। मंत्री मेघवाल के यहां 4 बजे पहुंचने का समय था, लेकिन किसी कारणवश यहां देर रात पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जोधपुर देहात उत्तर जिला के अध्यक्ष मनोहर पालीवाल, फलोदी विधायक पब्बाराम विष्णु, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, ओम बोहरा, पप्पू राम जानी, जय प्रकाश बोहरा उपस्थित रहे।